नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया डे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यदि आपने पेटीएम से किसी भी नंबर पर डबल रिचार्ज कर लिया है, यानी एक ही नंबर पे आपने दो बार रिचार्ज कर लिया है, तो सेकंड वाला जो आपने रिचार्ज किया है उसको यदि रिफंड लेना है तो आप कैसे रिफंड लोगे, आज की वीडियो में मैं आपको लाइव करके दिखाने वाला हूँ। मेरा एक नंबर है जिसपे पहले से प्लान एक्टिवेट है, उसी पे मैं डबल रिचार्ज करूंगा, वो भी आपके सामने करूंगा, और ये भी मैं बताऊंगा कि उसको कैसे रिफंड करना है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा बिना किसी स्किप किए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि किसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। दोस्तों सबसे पहले मैं रिचार्ज कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं रिचार्ज के बटन पर क्लिक करके मैं यहाँ पर रिचार्ज करूंगा। तो ठीक है, तो यहाँ से मेरा जो नंबर है जो जिस पे मैं रिचार्ज कर लेता हूँ, तो आई थिंक रिचार्ज करना तो सबको आता ही होगा, तो मैं फटाफट रिचार्ज कर लेता हूँ। उसके बाद में प्रोसेस पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे पे पर क्लिक कर लेता हूँ। तो चलिए यहाँ से मैंने पिन डाल दिया है, उसके बाद राइट क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मेरा जो रिचार्ज है वो सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा एक ही नंबर पे मैंने डबल रिचार्ज कर लिया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जियो सिम की। ठीक है, अगर उस पे जियो सिम पर आपने डबल रिचार्ज कर लिया है तो वहाँ पर आपको रिफंड कैसे लेना है, ठीक है, ये प्रोसेस बताऊंगा। उसके बाद में एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया किसी की भी सिम यूज करते हो उस पे भी आपको रिफंड कैसे लेना वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में यहाँ पर जियो ओपन हो गया है, और यहाँ पर मैं थ्री डॉट पर क्लिक कर लेता हूँ, उसके बाद में माई प्लान पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर पहले से जो मेरा प्लान है वो एक्टिवेट है, और जो जैसा कि अभी मैंने 149 का जो रिचार्ज किया, यहाँ पर जो अपकमिंग प्लान आ रहा है, ठीक है, तो जैसे ही इसमें जियो में क्या होता है कि जैसे जो आपका पहले वाला प्लान है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद में ये जो सेकंड वाला प्लान ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। नहीं तो आप माई जियो ऐप में आकर इसे एक्टिवेट के बटन पर क्लिक करके इसे एक्टिवेट कर सकते हो। जितने दिनों के लिए आपने किया वो अगले दिनों के लिए काउंट हो जाएगा, ठीक है, जैसा कि आपका जो पहले वाला प्लान खत्म होगा उसके बाद में ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये तो हो गई जियो की बात कि आप जियो पर कैसे रिफंड ले सकते हो। इस प्रकार आप अपना ये जो पैसा लगाया है वो वेस्ट नहीं जाएगा और जियो पर अगले दिनों के लिए एक्टिवेट हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कि आप दूसरे नंबर पर अगर आपने रिचार्ज कर लिया एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, तो आपको क्या करना होगा। तो आपको अपना पेटीएम को ओपन कर लेना है, उसके बाद में आपको यहाँ पर पासबुक पर क्लिक कर लेना है, उसके बाद में यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर पेड पेमेंट रिचार्ज, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है जो आपने अभी रिचार्ज किया। उसके बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा हेल्प एंड फीडबैक, हेल्प यहाँ पर नीड हेल्प के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद में इस प्रकार का जो आपका ट्रांजेक्शन दिखाया जाएगा जो भी आपने रिचार्ज कराए, ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर क्लिक करना है इश्यू विथ गेटिंग माई रिचार्ज, ठीक है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है, और उसके बाद में आपको यहाँ पर इश्यू विथ माई रिफंड पर क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी आपका जो रिफंड का रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर डाल दिया जाएगा, उसके बाद में गोइट पेटीएम पर क्लिक कर लेना है, ठीक है, ये काम आपको पेटीएम के अंदर कर लेना है। उसके बाद में जो भी आपने एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया या फिर आपकी जो बीएसएनएल सिम है उस पर 198 पर कॉल करना है और उनको ये बताना कि मेरा एक ही नंबर पर डबल रिचार्ज हो गया है, तो प्लीज़ मुझे ये जो भी सेकंड रिचार्ज किया वो रिफंड किया जाए, नहीं तो मेरा जो अगले दिनों के लिए इसे बढ़ा दिया जाए। तो इस प्रकार से आप रिफंड ले सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।